नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज 18, देश का सबसे लोकप्रिय चैनल, और मैं हूं नेहा शुक्ला आपके साथ। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। बंडा थाने में पदस्थ एसआई गुलेंद्र टेमरे बंडा में किराए के मकान में रहते थे। 2017 बैच का एसआई टेमरे बारा सिवनी निवासी थे। वो कुछ दिनों से डिप्रेशन में थे। घटना की सूचना पुलिस को दी गई है और परिजनों को भी दी गई है। प्रथम दृष्टया मौत आत्महत्या लग रही है। फिलहाल पुलिस ने रात का मुआयना कर कमरे को सील कर दिया है। टेमरे में जो व्हाट्सएप स्टेटस डाला था उससे ऐसा प्रतीत होता है कि वो विवाह की प्रताड़ना से ग्रस्त थे। उन्होंने लिखा कि पुलिस की मदद नहीं करती बाकी सबकी मदद करती है। टेमरे के साथ रहने वाले बालाघाट निवासी आरक्षक जब रूम पर पहुंचा उसने दरवाजा खटखटाया। जब काफी देर तक अंदर से आवाज नहीं आई तो दरवाजा खुला और अन्य लोगों ने देखा तो टेमरे का शव फंदे पर लटका मिला। रात में ही एफएसएल की टीम पहुंची जिसने घटनास्थल पर साक्ष्य जुटाकर जांच शुरू कर दी है। जब मैं स्कूल से आया तो कमरे के जो दरवाजे थे दोनों तरफ से बंद थे। दोनों तरफ से ठोका मैंने तो दरवाजा नहीं खोले। उन्होंने 10-15 मिनट तक ठोकते रहे अपन, उसके बाद दरवाजा खोले नहीं उन्होंने। फिर बाकी सब लोग बाजू थे उनको बुलाया मैंने, इस दरवाजा खुलने लगा। सबको डाउट हुआ दरवाजा क्यों खुलाइए। फिर बाद में थोड़ा दिन में यहाँ पर आया। फिर यहाँ पर घर मालिक को फोन लगा पहले, तो घर मालिक बोले पहले जिसको इन्फॉर्म कर दो। तो तुरंत फिर हम यहाँ पर आए। फिर यहाँ पर जाने के बाद भी जो है जब यही सब साथ साथ में दरवाजा खोले तो उसमें वो मतलब लट गए। 8 बजे करीब सूचना प्राप्त हुई थी इस आशय की। तो इसमें क्या हुआ कि तहसीलदार महोदय बंडा के द्वारा पंचनामा कराया गया है। पंचनामा के उपरांत जो है एफएसएल टीम के द्वारा भी मौके का मुआयना किया गया है। एफएसएल टीम ने पूरे घटनास्थल का निरीक्षण किया है और निरीक्षण के दौरान ज़्यादातर चीज़ें तो जो सामान्यतः होती वो है। इसके अतिरिक्त उसमें कुछ पर्चे और कुछ दवाएँ जो कि शायद नींद की गोली ऐसी लग रही है, अब इनका जाँच हो गया है। जाँच के उपरांत ये सारी स्थिति स्पष्ट। सागर से ब्यूरो रिपोर्ट।